4, 3, 2, 1, मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देखिए, आज हम करेंगे क्वेश्चन जो कह रहा है क्या कि अ विंडो इज इन अ फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ रेक्टेंगल फॉर्म में ऐसा। वो कह रहा है सरमाउंटेड बाय सर्कुलर ओपनिंग, तो यानी इसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है कुछ इस तरीके से, ऐसा वो कह रहा है। द होल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। पेरीमीटर मतलब ये वाला पूरा पार्ट जो है वो 10 मीटर है। तो अगर ये मैंने 2x ले लिया और ये पार्ट मैंने 2y ले लिया, तो ये वाला पार्ट x हो जाएगा, क्योंकि ये यही रेडियस ऑफ द क्या होगा, सेमी सर्कल होगा, क्योंकि पूरे डायमीटर 2x हो जाएगा। तो अगर आप पेरीमीटर की बात करेंगे विंडो की, तो एक तो हो जाएगा 2x, एक हो जाएगा 2y प्लस 2y यानी 4y, और ये वाला सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस जो होता है वो क्या हो जाएगा 2πr का आधा यानी πr यानी πx, ये हमारे को 10 के इक्वल दे रखा है। तो पेरिमीटर जो है वो ये हो जाएगा। फाइंड द डायमेंशन द रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द विंडो टू एडमिट द मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। अगर हमारे को मैक्सिमम लाइट चाहिए तो एरिया मैक्सिमम चाहिएगा, तो कुल मिला के हमारे को एरिया मैक्सिमम करने के लिए बोल रहा है। तो एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, तो हो जाएगा 2x into 2y लेंथ into ब्रेथ, और फिर उसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो अगर इसके अंदर मेरे को y नहीं चाहिए तो y की वैल्यू ऐसे निकालनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा देखिए 4y is equals to 10 minus pi upon x, और ये वाला हो जाएगा मेरा माइनस का 2x, ये वाला 4 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आके 4 आ जाएगा। तो ये मेरी y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू मैं कर दूंगा, एरिया इज इक्वल टू 4x, तो ऐसे ही ऐसे जो मेरा वो आ रहा है 10 माइनस पाई एक्स माइनस का 2x प्लस का पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब हमारे को अपॉन 4 भी था, 4 से 4 की नंबर हो जाएगी, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा 10x माइनस पाई एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर और पाई एक्स स्क्वायर बाय 2। ऐसे कैसे डिफरेंशिएट कर लेंगे तो आ जाएगा डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो रह जाएगा 10, ये रह जाएगा माइनस 2πx, ये रह जाएगा माइनस का 4x और ये रह जाएगा प्लस का 2πx। इससे नमस्ते, 2 से 2 की नमस्ते। तो देखेंगे ये जो रह रहा है, ये रह रहा है मेरे पास 10 माइनस का 4x, ये माइनस का 2πx था, ये प्लस का πx था, तो सिंपली माइनस का πx रह जाएगा ये। अब मैं जानता हूँ मेरे को क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मैं इसको 0 के इक्वल कर दूंगा, ये मेरा डिफरेंशिएशन था। अगर मैं इसको 0 के इक्वल कर दूंगा dA by dx को, तो देखिए क्या आ जाएगा, dA by dx को अगर मैं 0 कर देता हूँ तो ये जाएगा 10 माइनस का x, अगर इसमें से कॉमन ले लूँ, माइनस का x कॉमन ले लिया तो पाई प्लस 4 बचेगा, ये इज इक्वल टू 0, तो ये उधर चल जाएगा, तो ये बचेगा 10 इज इक्वल टू एक्स पाई प्लस 4, पाई प्लस 4 डिवीजन में आ जाएगा, तो 10 अपॉन पाई प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन को करेंगे तो डी टू ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 0, ये माइनस का 4 और ये माइनस का पाई, तो मैं देख रहा हूँ क्या आ गया, ये लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो एरिया मैक्सिमम हो गया, कब, जब x की वैल्यू ये है। क्या ये मेरे डायमेंशन थे? नहीं, मेरे डायमेंशन क्या थे, 2x और 2y, तो एक तो डायमेंशन आ जाएगा 2x, तो 2x का मतलब हो जाएगा 20 अपॉन पाई प्लस 4। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, अगर हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, y की डायमेंशन निकालने के लिए y इज इक्वल टू 10 माइनस पाई, x की वैल्यू हो जाएगी 10 अपॉन पाई प्लस 4 और 2x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 20 अपॉन पाई प्लस 4, और नीचे वाला 4 हमने एक बार इधर लिख लिया मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 4y इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, तो पाई प्लस 4 एलसीएम आ जाएगा, ये बचेगा 10 पाई प्लस का 40 माइनस का 10 पाई और माइनस का 20, माइनस 10 पाई प्लस 10 पाई तो नमस्ते हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4, ये आ जाएगा 10 20 20 इज इक्वल टू 4y, और इसके नमस्ते करूंगा 2y की, तो एक 2 रहने देंगे यहाँ पे, तो फिर ही 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो मेरा डायमेंशन है वो आ जाएगा 10 अपॉन पाई प्लस 4। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है, यही आपके आंसर्स हैं।
फिर भी कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो एज ऑलवेज प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू।